नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। रौरकेला स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 5 के कर्मचारी गण उद्यमशील कार्य हेतु पुरस्कृत। सिमुलेटर जानकारी पर कार्यक्रम आयोजित। और घोष यात्रा के लिए उत्साहपूर्ण तैयारी प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। रौरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 5 के कर्मचारियों ने टेप होल के निकट स्थान से एक सुरक्षित एवं कम तापमान क्षेत्र तक वाटर लाइन 2/2 शट ऑफ वाल्व के शिफ्टिंग का एक उद्यमशील कार्य संपन्न किया है। उल्लेखनीय है कि रेजिन बॉन्डेड क्ले युक्त टेप होल के सुचारू एवं शीघ्र ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए ब्लास्ट फर्नेस 5 के कास्ट हाउस ड्रिलिंग मशीन को जल एवं नाइट्रोजन N2 के मिस्ट की आवश्यकता होती है। टेप होल के सर्कुलर प्रोफाइल को बनाए रखने में नाइट्रोजन एवं जल N2/H2O के मिस्ट सहायता करता है, जो स्लैग एवं आयरन के मोल्टन मिल्स के सरल निकासी हेतु आवश्यक है। इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले वाल्व का वायलन ग्रेड रबर का एक सीलिंग था। आसपास के क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण वायलन सील क्षतिग्रस्त हो गया था एवं मिस्ट गठन को रोक दिया था। कर्मचारियों के उद्यमशील ग्रुप ने सही आकार के पाइप एवं फिटिंग्स के सहायता से वाल्व को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। सभी 4 टैप होल मशीनों में रूपांतरण किया गया। यह रूपांतरण ड्रिलिंग मशीन के डाउन टाइम में कमी लाई है एवं विश्वसनीयता भी बढ़ाई है। ब्लास्ट फर्नेस विभाग में 18 जून को आयोजित एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह में महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री ए भौमिक ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में टीम को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार विजेता है सहायक प्रबंधक श्री एस बी शतपति, सहायक प्रबंधक श्री विक्रम सिंह, सहायक प्रबंधक श्री एलन जॉन, कनिष्ठ प्रबंधक श्री जे एन महाराणा, वरिष्ठ तकनीशियन श्री बी बी विश्वाल, श्री बी के महाराणा, जेओटीए श्री एस बनर्जी, श्री दीपक दास, श्री टी के स्वाई, श्री एस होता एवं एसीटी श्री एस मरांडी, उप प्रबंधक बीएफ ऑपरेशन श्री पीयूष जैन एवं कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक आयरन एवं पावर श्री सोमदत्त त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। सीपीटीआई में 20 से 22 जून तक सिमुलेटर जानकारी पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रौरकेला स्टील प्लांट एवं टिस्को से कुल 6 अनुभवी ऑपरेटरों ने भाग लिया। संभागियों को निपुण फैकल्टी, सीपीटीआई के उप महाप्रबंधक श्री एस महंती एवं एनएसपीसीएल के श्री पी के मलिक द्वारा 60 मेगावाट पावर प्लांट प्रशिक्षण सिमुलेटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्युत चार्जिंग प्रणाली, फीड वाटर सिस्टम लाइन मैनेजमेंट, बॉयलर ड्रम किनिंग, एयर और फ्लू गैस, वैक्यूम कूलिंग, जनरेटर गैप कूलिंग प्रणाली, टर्बाइन रोलिंग, पीएचपीसी इलेक्ट्रो 60 मेगावाट यूनिट द्वारा लोडिंग, सिंक्रोनाइजेशन एवं माल फंक्शन हैंडलिंग जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। यह सिमुलेटर अपने प्रकार का पूर्वी भारत में एकमात्र है। इससे पहले इसी प्रशिक्षण के लिए लोगों को मुंबई एवं अन्य दूर स्थानों पर जाना पड़ता था। इस प्रकार के अत्याधुनिक रियल टाइम HMI आधारित पावर प्लांट सिमुलेटर तकनीक सेल एवं पूर्वी भारत के उद्योगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। वर्ष का वह समय आ गया है जब जगत के प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई प्रभु बलभद्र एवं छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ अपनी वार्षिकी यात्रा पर मौसी गुंडीचा के घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 25 जून को ये 3 देवता अपने अपने रथ पर सवार होकर करतालों की गूंज एवं मृदंगों की उद्यमी गड़गड़ाहट के बीच अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस 5 शहर के सभी जगन्नाथ मंदिरों में धर्मोत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ उत्सव पालन करने की उत्साहपूर्ण तैयारी चल रही है।
वास्तव में रथ यात्रा की तैयारी पांडुलिपि के अनुसार वैशाख माह के तीसरे दिन प्रारंभ की जाती है, जो कि अक्षय तृतीया के नाम से लोकप्रिय है। स्नान पूर्णिमा के दिन तीनों देवताओं को स्नान वेदी पर पवित्र स्नान कराया जाता है। प्रथा के अनुसार देवतागण इसके बाद बीमार पड़ जाते हैं और उनको चिकित्सा के लिए अनसर घर में अलग से रखा जाता है। स्वास्थ्य लाभ करने के बाद देवतागण नेत्रोत्सव के अवसर पर 24 जून को श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। और अब एक विशेष घोषणा, सीबीसी परिपत्र संख्या 4/3/2017 दिनांक 14 मार्च 2017 के अनुसार सेल निगमित सतर्कता ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवार वर्ग, विद्यार्थियों एवं नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता में व्यापक सहभागिता हेतु सत्यनिष्ठा का संकल्प ग्रहण कराने की पहल की है। कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठा का संकल्प ग्रहण करने के लिए सेल पोर्टल, आरएसपी, इंटरनेट या सीवीसी वेबसाइट लिंक के माध्यम से पंजीकृत करा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह पहल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के विषय सत्यनिष्ठा को प्रेरित करना एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की सहभागिता पर आधारित आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। सत्यनिष्ठा संकल्प में भाग लेने वाले नागरिकों को प्रतिबद्धता की ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।